अच्छा, घूमने के लिए आए हैं और सलमान खान से मिलने आए थे। तो सलमान खान तो हमेशा घर पे नहीं रहते हैं यार। हाँ, नहीं रहते हैं, लेकिन क्या करें, तो भाई साहब ने सलमान खान को तो नहीं देखा लेकिन सलमान खान का घर ही देख लिया। छोटा सा पार्क बनाया गया है और इस पार्क में इंडियन नेवी का जेट हैरियर रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे से ही होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूँ बांद्रा बैंड रेस्टोरेंट घूमने। तो अभी काफ़ी टाइम है और धूप भी काफ़ी तेज है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है। तो देखिए लहरें कैसी आ रही हैं जोर से। अभी मैं गिरते गिरते बच गया। तो दोस्तों मैं बोल रहा था मैं बांद्रा बैंड स्टैंड घूमने के लिए आया था और अभी काफ़ी धूप है और गर्मी भी काफ़ी है तो लोग बहुत कम दिखाई पड़े उधर। तो मुझे एक इधर जेट्टी दिखाई पड़ी समुद्र के अंदर। जेट्टी मतलब नाव रखने की जगह, नावें जहाँ पे रोकी जाती हैं, खड़ी की जाती हैं, उस जगह को जेट्टी बोलते हैं। तो ये देखिए जोर जोर की लहरें आ रही हैं पूरी मेरे पीछे, देखिए एकदम लहरों ने घमासान मचा के रखा है समुद्र के अंदर इनका ही राज चलता है। और ये मेरे पीछे जो बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं इनमें सिनेमा जगत के सारे स्टार्स रहते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह सब यहीं रहते हैं, सबका घर यहीं पर है। ये देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। देखिए पानी कैसे हरार 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 की आवाज़ से गर्जना करते हुए एक के ऊपर एक लहरें आ रही हैं। दोस्तों अभी देखिए सूर्य के सामने थोड़ा सा बादल आ गया है जिससे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है और बादल छटते ही फिर से गर्मी होने लगेगी। और यहाँ पर समुद्र की हवाएं जोर जोर से चल रही हैं लेकिन उमस काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से निकलते हैं, लहरें भी जोर जोर से आ रही हैं और उन लहरों से कैमरा ख़राब हो सकता है खारा पानी पड़ने से। तो यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों जाल पड़ा हुआ है मछली पकड़ने का और इस तरफ देखिए समुद्र में ढेर सारी नावें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। दोस्तों इधर देखिए एक काका जाल की रिपेयरिंग कर रहे हैं। देखिए मछली पकड़ने का जाल है, अभी आपको उधर समुद्र में मैंने दिखाया, देखिए जो समुद्र में नावें वगैरह दिखाई तो उन्हीं नावों से मछली पकड़ने का काम होता है इन जालों से। ये देखिए इधर देखिए एक घर में सुंदर सा फूल लगाया गया है। दोस्तों देखिए सड़क के बीच में एक छोटा सा सेल्फी स्पॉट बनाया गया है जिस पर आई लव बांद्रा ऐसा लिखा हुआ है। यहीं से शुरू होता है बांद्रा प्रोमिनेंट जो एक जॉगिंग ट्रैक है जिसकी लंबाई 1200 मीटर है, 1 किलोमीटर 200 मीटर। ये देखिए दोस्तों मेरे पीछे एक सेल्फी स्टैंड बना हुआ है आई लव बांद्रा करके और मेरे कैमरे में उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा। दोस्तों देखिए ये गैलेक्सी बिल्डिंग का गेट दिखाई पड़ रहा है जो सलमान खान का घर है और सलमान खान के कितने सारे फैंस उनसे मिलने आए थे। देखिए पीछे ऑटो रिक्शा के पीछे रोड के उस पार, तो गार्ड भाई साहब ने उनको हटा दिया क्योंकि सलमान खान तो हमेशा अपने घर पे रहेंगे नहीं। ये देखिए सलमान खान का घर है ये गेट और शायद इसी बिल्डिंग में रहते होंगे, शायद के पीछे कोई बिल्डिंग होगी। और ये मुंबई वेस्ट की एयर कंडीशन बस जिसका टिकट 5 या 6 रुपये रहता है सिर्फ। ये देखिए सलमान खान के फ्रेंड हैं बोल रहे हैं, सलमान खान के फ्रेंड नहीं कम से कम फैन तो है ही। और भाई साहब का नाम है इरफान खान। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? जयपुर राजस्थान। अरे भाई ये भाई साहब जयपुर राजस्थान से आए हैं मुंबई घूमने के लिए। हाँ। क्या रहते हैं यहाँ पे मुंबई में? घूमने के लिए आए। अच्छा घूमने के लिए आए हैं और सलमान खान से मिलने आए थे जी। तो सलमान खान तो हमेशा घर पे नहीं रहते हैं यार। हाँ। नहीं रहते हैं, लेकिन क्या करें, तो भाई साहब ने सलमान खान को तो नहीं देखा लेकिन सलमान खान का घर ही देख लिया। यही बिल्डिंग है क्या? अच्छा वो पीछे वाली है, ये बरगद के पेड़ के पीछे जो घर दिखाई पड़ रहा है व्हाइट वाली पीपल और बरगद का सुंदर सा पेड़ लगा हुआ है, एकदम नेचुरल एटमॉस्फियर। और ये देखिए इधर भी कुछ लोग आए हैं टैक्सी लेकर के आए हैं, रुकते हैं यहाँ पे, सलमान खान से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों को निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि सलमान खान जी तो घर पे नहीं बैठे रहेंगे।
सिर्फ। ये देखिए दोस्तों, ये जॉगिंग ट्रैक बांद्रा बैंड स्टैंड का, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर 200 मीटर है। आपको सुबह सुबह यहाँ पर फिल्म स्टार लोग घूमते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। ये देखिए समुद्र के किनारे बिल्कुल बना हुआ है, और पूरा समुद्र के किनारे किनारे भी एक किलोमीटर 200 मीटर पर एकदम समुद्र के किनारे किनारे ही बना हुआ है। और इसके दूसरे साइड में देखिए सुंदर ऐसा फूल वगैरह के पेड़ लगाए गए हैं, जिससे एकदम हरियाली बनी रहे और लोगों को समुद्र की ताज़ी हवाओं का आनंद लेने में अच्छा लगे। शाम हो जाएगी तो ये बेंचों पर बैठने के लिए जगह नहीं बचेगी, जो अभी खाली है धूप की वजह से। दोस्तों यहाँ लोग सुबह सुबह घूमने आते हैं, और घूमते घूमते हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाए, इसके लिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। देखिए देखिए मैं इन पत्थरों पे संभल संभल के चल रहा हूँ, और इधर एक्सरसाइज के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, देखिए लटकने वाला। और दोस्तों देखिए ये बैठ करके एक्सरसाइज करने का इंस्ट्रूमेंट है, और मोस्टली मुंबई के हर गार्डन में, मुंबई और उपनगरों में जो भी गार्डन हैं, महानगर पालिका इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगवा करके रखती है, जिससे लोग गार्डन में जाएं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकें। ये देखिए इधर एक बना हुआ है, और उस तरफ भी एक बना हुआ है, और इस तरफ लटक करके एक्सरसाइज करने का कुछ इंस्ट्रूमेंट है। और देखिए ये जंजीर है, जंजीर से बच्चे लोग करते हुएंगे एक्सरसाइज करते हुएंगे। ऐसा ये प्रोमिनेंट के बीच में इस तरह के एक्सरसाइज करने के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिस पर यहाँ के नागरिक, बांद्रा बैंड स्टैंड पर मॉर्निंग वॉक जॉगिंग करने के लिए आने वाले लोग हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकें। ये देखिए बच्चे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखिए देखिए। और इस तरफ देखिए अरब सागर लहरा रहा है, और इस तरफ हरियाली है, हरियाली के पीछे मेन रोड है। अरे यार गिरो मत। ये देखो एक बाबू हमको देख करके बहुत उत्साहित हो गया और गिरने पड़ने लगा। ये देखिए दोस्तों किस तरह से सुंदर ऐसा गार्डनिंग की गई है, गार्डन लगाया गया है, और बैठने के लिए देखिए कितनी सारी बेंचें रखी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगभग एक डजन तो होएंगे ही। और इधर एक स्टैचू लगा हुआ है एक महिला का, लोहे से बना हुआ स्टैचू, और लोहे का बना हुआ बैलून उसके हाथ में है। हेलो दोस्त, इस तरफ एक भाई साहब भेल देख रहे हैं, और इस तरफ ढेर सारे कबूतर, शांति के प्रतीक, सीधे साधे प्यारे प्यारे पक्षी कबूतर बैठे हुए हैं ढेर सारे। देखिए ये मनुष्यों के आदि हो चुके हैं, इसके लिए भागते नहीं हैं देख करके, और ये कबूतर भी ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे हैं। इस तरह आप देख रहे हैं बांद्रा बैंड स्टैंड और अरब सागर का दृश्य। दोस्तों इस जॉगिंग ट्रैक के बगल में एक सुंदर सा गार्डन है, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें एंट्री नहीं है इस समय, इसमें 4 वर्ष से छोटे बच्चे ही जा सकते हैं। मैंने गार्ड भाई साहब से पूछा, बड़े विनम्रता से निवेदन किया, तो भी उन्होंने मना कर दिया। तो बहुत अच्छा गार्डन है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके अंदर एंट्री नहीं है। और इस तरफ देखिए एक फाइटर जेट का मॉडल रखा हुआ है, आपको चल के वहाँ पास में दिखाते हैं। दोस्तों देखिए बैंड स्टैंड के पास में ही एक छोटा सा पार्क बनाया गया है, इंडियन नेवी का, इंडियन नेवी से संबंधित है,
और एक देखिए ये पीछे एक छोटा सा सी हैरियर प्लेन पार्क, इस तरह से पार्क है। और एक जेट जेट फाइटर रखा गया है, देखिए हमने पास से तो कभी देखा नहीं है, लेकिन इधर एक छोटा सा पार्क बनाया गया है और इस पार्क में इंडियन नेवी का जेट हैरियर रखा गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी जेट हैरियर, आप लोगों ने भी पास से नहीं देखा होगा, मैंने भी कभी पास से देखा नहीं था। ये देखिए इसके व्हील्स, ये डायनो के नीचे छोटे व्हील्स और जहाज का मेन व्हील्स, आगे का व्हील और एग्जास्ट के लिए जिससे जहाज उड़ती है वाल्व लगे हुए हैं। उस तरफ देखिए एक शिलापट पर सी हैरियर मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड टू सिटी ऑफ मुंबई बाय द इंडियन नेवी इंस्टॉल्ड बाय बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 3 दिसंबर 2020, ऐसा एक शिलापट लगा हुआ है जिस पर इसकी जानकारी दी गई है कि कब ये पार्क बनाया गया और कब इस प्लेन को यहाँ पर लगाया गया था। ये देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी की जहाज, लड़ाकू जहाज इंडियन नेवी की लगी हुई है मेरे पीछे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कम से कम मुझे देख करके, नहीं तो इस इंडियन नेवी के जेट को देख करके ही वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, पीछे की तरफ से ये जेट विमान कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल पास से देख रहे हैं आप। देखिए नौसेना लिखा हुआ है और एक टाइगर का चिन्ह बना हुआ है, और इसका पीछे का भाग इसमें रडार वगैरह रहते होंगे। दोस्तों बांद्रा बैंड स्टैंड और प्रोमेनेड का वीडियो आपको निश्चित ही बहुत पसंद आया होगा और आ रहा होगा, क्योंकि अभी वीडियो जारी रहेगा, अभी मैं ख़त्म नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं जाऊँगा वहाँ तक बांद्रा वर्ली सी लिंक रोड तक, और आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए यार, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको मुंबई के ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो दिखाता रहता हूँ। दोस्तों देखिए, इन लहरों को देख करके छोड़कर जाने का मन नहीं करता है।